वो पता है ऑन द राइस क्यों खेलते हैं सामने लोग टाइम कम मिले और मेन फंडामेंटल रीजन क्या है ऑन द राइस खेलने जो मेन रीजन अगर मैंने ये बॉल ड्रॉप की तो इसकी एक मैक्सिमम हाइट है जब तक ये अपनी मैक्सिमम हाइट पे आ रही है तब तक इस बॉल की एनर्जी है इस बॉल में एनर्जी है जैसे ये नीचे जा रही है उस वक्त ये अपनी एनर्जी लूज कर रही है और ग्रेविटी इस पे काम कर रही है तो अब आपको क्या करना पड़ेगा बॉल में अपनी जान ज़्यादा लगानी पड़ेगी क्योंकि बॉल डेड हो चुकी है आप दो बॉल मार के एक राइस पे मार दो और एक ड्रॉप सब कुछ सेम रहे अब ड्रॉप पे मार आपको क्या कंफर्टेबल लगे ड्रॉप क्यों तो अंदर गया वो क्योंकि आप उसके यूज टू हो बॉल में जाने मैं तो नहीं से गुस्सा हूँ उसके बॉल में जाने तो वो आपको भी फोर्स देगी थोड़ी उसके लिए कंट्रोल ज्यादा चाहिए और उससे पहले जो मारा मैंने वो अंडरराइज तो स्पीड ज्यादा निकली लेकिन उसमें कंट्रोल नहीं था और तीसरा रीजन क्या अंडरराइज के लिए पहला रीजन आपने ग्रेविटी पहले तो आपने बता दिया पहला रीजन समय और टाइम का मिलता है दूसरा रीजन आपने बताया कि ग्रेविटी बॉल में अपनी एनर्जी होती है उसको यूज करना है तीसरा अगर बॉल ड्रॉप होगी तो उसकी हाइट भी कम होगी फिर आपको नेट भी क्लियर करना पड़ेगा आपको दो काम करने पड़ेंगे अगर बॉल आपने ड्रॉप होने अपनी जान ज़्यादा और हाइट देना तो सोचो आप कितनी मसल यूज होगी